नागपुर हाईकोर्ट ने नवनीत राणा के जाति प्रमाण पत्र को अमान्य रखा, इसीलिए एट्रोसिटी दर्ज करने का सवाल ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट में जाति प्रमाण पत्र का फैसला नवनीत राणा के खिलाफ सुनाया। जब दलितों पर अत्याचार हुआ तो नवनीत राणा को दलितों में प्यार नजर नहीं आया। होश में आते ही उन्हें दलित प्रेम याद आता है। कहा जाता है कि केंद्र में सिर्फ मंत्री पद को पाने के लिए नवनीत राणा की ये कोशिश है। आप देख रहे हैं कि हमारे हिंदू संस्कृति में भगवान की पूजा हर हिंदू व्यक्ति करता है। हर धर्म के लोग अब अपने भगवान की, कोई अल्लाह को पूजता है, कोई यीशु को पूजता है, सब जने अपने जो कोई उनके दाता होते, भगवान होते, उनकी पूजा करता है। लेकिन इस तरह से एक चौरस्ते पे आके किसी सरकार को चैलेंज करके कि हम हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, ये केवल नौटंकी है, ये प्रसिद्धि के लिए किया हुआ नाटक है और भगवान को भी वो पसंद नहीं आया। इसलिए हनुमान जी ने, आप जानते हैं हनुमान जी साक्षात हनुमान जी है ऐसा हमारे यहाँ कहा जाता है और उसके बहुत सारे परिणाम हम लोग भी देखते हैं, सारे लोगों को उसका है। तो भगवान ने उसके जो झूठ बोला, जो नौटंकी किया, ये इस नौटंकी का प्रसाद भगवान ने उसको दिया कि जो भगवान भी उसको बचाने के लिए नहीं आए और हमने देखा कि उसको आज जेल की हवा खाने पड़ रही है और जेल में झूठ बोलने का कारनामा भी भगवान के शायद कुछ सेंस मिला होगा। तो आपने देखा है कि वो कैसे झूठ बोल रही है, कैसी जनता में भ्रम पैदा कर रही है, लोगों को बहकाने का काम कर रही है, ये आपको कल वीडियो के मार्फत आपको दिख गया है और भी आज भी कुछ आपको उसमें दिखेगा। संजय राउत के खिलाफ एट्रोसिटी का मामला दर्ज करने की शिकायत की है, क्या कहते हैं कि नवनीत राणा दलित नहीं है फिर भी कर रही है? संजय राउत साहब और हमारे आदरणीय उद्धव साहब और हमारी शिवसेना पार्टी ये किसी जाति धर्म पे नहीं चलती है। हमारे आप देखोगे तो जिसका दो मकान उसके इसमें था, उसने 5 टर्म लोकसभा में काम किया है, खैरे साहब के समान। हिंगन घाट में आपने देखा होगा कि उसके 5-6 मकान थे, वो भी यहाँ मंत्री बना हुआ है। ऐसे कई उदाहरण बता दें, हमारी पार्टी और हमारे नेता ये जाति धर्म पे काम करते नहीं है। जो काम करने वाला शिवसैनिक होता है उसी का हमारे यहाँ सम्मान होता है। और इसके बोलने से, ये खुद ही इसने लबान होने के बाद मोची का सर्टिफिकेट गलत बनाया, पिताजी का जन्म कहाँ पे हुआ उसके खुद के इस पेपर में दिखेगा, कहीं पालघर लिखा है, कहीं ठाणे लिखा है, कहीं सुपौई लिखा है, और उसको हाईकोर्ट ने खुद माना कि इसने ये बोगस सर्टिफिकेट बना के ये भारत संविधान के साथ इसने बहुत बड़ी धोखेबाजी किया है, इसके लिए इसके ऊपर में 2 लाख रुपए का दंड भी ये हाईकोर्ट ने उसके ऊपर लगा के उसकी खासदार की रद्द की है। और लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट में मैटर प्रलंबित है, सुप्रीम कोर्ट से भी हमें उम्मीद है कि बहुत जल्द से जल्द निर्णय आएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने खुद उनके एक जजमेंट में कहा था कि पॉलिटिकल नेताओं के संबंधित केसेस से 100 दिन में उसका रिजल्ट आना चाहिए, लेकिन इसमें 8-9 महीने हो गए, सुप्रीम कोर्ट में भी बहुत सारे काम होते हैं तो टाइम लग रहा होगा, लेकिन उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट भी अपना फैसला बहुत जल्द देके उसको लोकसभा से भी डिस्क्वालीफाई होने वाली है। आपने कहा कि 3 बजे कुछ खुलासा होने वाला है, कौन खुलासा करेगा, किसके विषय में आएंगे? सरकार की ओर से खुलासा आने वाला है, बहुत सारी बातें आपको 3 बजे पता चलेगी, जिसके ऊपर आप भी ध्यान रखिए। नवनीत राणा का कोई वीडियो आने वाला है ऐसा कुछ? नवनीत राणा का भी है और बहुत सारे विषयों पे आने वाला है। किरण सोमैया ने कहा है कि संजय पांडे जल्द ही शिवसेना में शामिल होने वाले हैं। हमने तो सुना है कि किरीट सोमैया अभी फोन पे बात किया हमारे नेताओं से कि मुझे शिवसेना में ले लो, मैं आ जाता हूँ, मैं आपके साथ इस काम करना चाहता हूँ, अब तक मेरी गलती हो गई।